हेलो दोस्तों, आज मैंने बनाई है बेसन की एकदम यूनिक रेसिपी। इसे आप रोटी के साथ में, चावल के साथ में, या नान के साथ में, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। जो बेसन नहीं खाते वो ये रेसिपी बनाने के बाद बेसन भी खाने लगेंगे, तो मेरी रेसिपी एंड तक जरूर देखना। मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन सैयद। आज यहाँ बेसन की एकदम नई रेसिपी बनाऊंगी। तो यहाँ पर गैस पर मैंने पैन रख दिया है, तो ये 5-6 मिनट में बन जाती है ये रेसिपी। यहाँ पर मैंने ऑयल डाल दिया है। यहाँ पर देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे आधा चम्मच राई दाना और आधा चम्मच जीरा। और यहाँ पर राई दाना और जीरा चटक चुका है, तो इसमें डाल देंगे 10-12 कड़ी पत्ता। यहाँ पर डाल देंगे 4-5 प्याज पतले लेयर्स में कट किए हुए। मैंने प्याज डाल दिए हैं। यहाँ पर प्याज को गोल्डन ब्राउन होते तक भून लेंगे। तो यहाँ पर प्याज जल्दी से होने को ना, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा, मतलब आधे चम्मच से कम नमक डाल दूँगी, जिससे कि जल्दी से प्याज हो सके हमारे फ्राई। यहाँ पर इसमें डाल दूँगी एक टमाटर बारीक कटा हुआ, इसे भी चला लेंगे। यहाँ पर देखिए प्याज टमाटर हो चुके हैं, तो इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के हिसाब से, कम तीखा ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे नमक, तो नमक पहले भी हमने डाला है आधा चम्मच से कम, तो उसी हिसाब से डालना है। और सूखी चीज़, हम सूखा बना रहे हैं ये वाला बेसन, तो इसलिए इसमें कम ही नमक डाला जाता है। तो यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। इसमें डाल देंगे 1/4 चम्मच हल्दी और इसको चला लेंगे। यहाँ पर देखिए सभी मसाले अच्छे से भून चुके हैं, तो अब इसमें डाल देंगे, हमने देखो पानी नहीं डाला है। यहाँ पर गैस की फ्लेम कम कर देंगे और इसमें डाल देंगे बेसन। ऐसे कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जितना चाहिए उतना आप बेसन डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए मैंने 1 से 1.5 कटोरी बेसन डाला है, तो इसको ऐसे मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट ऐसे भून लेंगे। गैस की फ्लेम हमारी यहाँ पर कम है और कम ही रखनी है, जिससे कि बेसन जले ना और अच्छी तरह भून सके। तो यहाँ पर देखिए बेसन का कलर चेंज हो रहा है, होने लगा है बेसन का कलर चेंज। यहाँ पर गैस की फ्लेम थोड़ी बढ़ा देंगे। इस स्टेज पर हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया, जिससे कि आसानी से मिल सके हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया डाल दिया है, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बेसन मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे पानी, मतलब पानी नहीं डालेंगे, छिड़का डालेंगे पानी का। यहाँ पर पानी का छिड़का डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए बेसन अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो अब इसे भाप पर रखेंगे। इसको हम झाग देंगे और इसे कम आंच पर 5 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा बेसन रेडी हो चुका है, एकदम बहुत ही बढ़िया है। इसे आप चपाती के साथ में, चावल के साथ में, या फिर ऐसे भी खा सकते हैं। तो इसमें मैंने पानी का ऐसा छींटा मारा है और इसे अच्छे पकने देना है, 5-10 मिनट अच्छे से पकने देना है ढककर। अगर नीचे से जलने के, अगर आपका जो बर्तन पतला है तो आप नीचे से तवा रख दीजिए, तो बिल्कुल भी बेसन नहीं जलेगा। और इसे मैंने दम पे छोड़ने के बाद में बीच बीच में चलाया है, जिससे कि वो जले ना।
और यहाँ पर देखिए मेरी बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप जरूर ट्राई करना। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।